नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2023 की शुरुआत के साथ ही देखिए चुनावी मौसम ने दस्तक दे दी है। इसी साल एक नहीं बल्कि 10 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण और उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां इसी साल राजनीतिक दलों में चुनावी जंग देखने को मिलेगी। और जो कि देखिए 2023 के चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और इसलिए क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या क्षेत्रीय पार्टियां सभी ने राजनीतिक जमीन तैयार करनी अभी से शुरू कर दी है। और इन सब के बीच पंचांग से लेकर महात्माओं की भविष्यवाणियों ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों सबसे ज्यादा गर्माई हुई है। प्रदेश की 230 सीटों पर अब की बार कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर देखिए अभी से भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा किसी से छुपा नहीं। अब देखिए ना, 2018 के चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई, पार्टी के खाते में बहुमत से सिर्फ 2 सीटें कम 114 सीटें आई। बीजेपी 109 सीटों पर ही आकर ठहर गई। जैसे तैसे देखे कमलनाथ की सरकार प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब तो हुई, लेकिन होली के रंग ने पार्टी की खुशियों को फीका कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी क्या हुए, कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, यहाँ बीजेपी में सिंधिया की एंट्री हुई और वहाँ एमपी में शिवराज सिंह की वापसी हो गई। तो अब की बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दोनों ही पार्टी अभी से बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने की भरपूर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच चुनावी जंग है, जिसको लेकर भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल फिलहाल में देखिए राजा भोज की धरती से एक बार फिर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ी भविष्यवाणी की है। जगतगुरु की भविष्यवाणी से ही सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल राजा भोज के धरती पर पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से बीजेपी खुशी से झूम रही है, और उधर कांग्रेस की खेमा पंचांग से जुड़ी भविष्यवाणी से उम्मीदें लगाए बैठा है। दरअसल भोपाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कथा बाचने पहुंचे थे, और ऐसे में जगतगुरु के दर्शनों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने जगतगुरु से आशीर्वाद लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही आशीर्वाद शिवराज को दोबारा गद्दी दिलाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मंच से जगतगुरु ने ये कहा, सीएम की कुर्सी दिलाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इसके लिए मैंने पूरी रणनीति बना ली है। उमा भारती ने भी मुझसे कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दें कि वो फिर मुख्यमंत्री बने, तो मैंने उनसे कहा कि आशीर्वाद तो है ही मेरा उनके साथ। लोगों का ऐसा मानना है कि जिसे जगतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए फिर तो देखिए समझ लीजिए कि उसे जीत निश्चित ही मिलेगी। गौर करने वाली बात यह कि 22 भाषाओं के ज्ञाता, 80 से ऊपर ग्रंथों के रचयिता जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य आंखों की रोशनी के बगैर दुनिया को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ते हैं। जो कहते हैं वो सत्य होता है। फिर चाहे मोदी के दोबारा पीएम बनने की भविष्यवाणी हो, योगी के दोबारा मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी हो, रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी हो, या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी। और अब के बाद शिवराज सिंह पर उनका आशीर्वाद है, और ऐसे में कांग्रेसियों का बौखलाना तो देखिए बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंचांग में छिपी भविष्यवाणी में कांग्रेस के जीतने की बात लिखी गई है। जबलपुर में छपने वाले एक कैलेंडर में ना सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात कही गई है, बल्कि कांग्रेस के जीतने की भी भविष्यवाणी की गई है। जबलपुर में पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का पंचांग छपता है, और इसी कैलेंडर में इस बात की भविष्यवाणी लिखी गई है, वर्ष के प्रारंभ से उत्तरार्ध तक का समय सत्ता पक्ष के लिए संकटकारी हो सकता है। बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सरकार में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। सत्तारूढ़ पार्टी में आपसी मतभेद रहेगा। मंत्रिमंडल में परिवर्तन की संभावना है। विपक्ष सरकार के प्रति सतह चुनौतियां पैदा करता रहेगा। कांग्रेस पहले से अधिक सशक्त दिखाई देगी, जिसका असर चुनाव में दिखाई देगा। तो प्रचंड बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार, पंचांग में छपी इसी भविष्यवाणी से देखिए कांग्रेसी खेमा कम उत्साहित नहीं है। इसी पंचांग का हवाला देते हुए कांग्रेसी प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और जिस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए ये तक कह दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये सब। फिलहाल सच तो यही है कि क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, हर कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह खुद को सत्ता में देख रहा है। किसका सपना सच होता है, अब ये तो मध्य प्रदेश की जनता ही बताएगी, और वो भी बहुत जल्द।